हेलो एवरीवन, ओपन सिक्योरिटी स्क्वाड में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है हैकिंग विंडोज पासवर्ड यूजिंग लोकल यूजर एंड ग्रुप। विंडोज के पासवर्ड्स को हैक करना या यूएसबी को बाईपास करना किसके थ्रू? लोकल यूजर एंड ग्रुप के थ्रू। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यूएसबी है क्या। यूएसबी यूजर ऑथेंटिकेशन कंट्रोल है। विंडोज के अंदर यूएसबी होती है। जैसे कोई भी पासवर्ड को हमें चेंज करना है तो हम सबसे पहले कंट्रोल पैनल में जाते हैं, फिर यूज़र अकाउंट्स में, फिर उस हम पर्टिकुलर यूज़र को हम सेलेक्ट करते हैं पासवर्ड चेंज करने के लिए या पासवर्ड को रिमूव करने के लिए। जैसे यदि पासवर्ड को चेंज करना है तो हमें करंट पासवर्ड पता होना चाहिए। अब यह है कि यदि करंट पासवर्ड मुझे नहीं पता तो फिर किस तरह से हम उसके पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं या बाईपास कर सकते हैं? तो एक सबसे सीधा और सिंपल है कि सबसे पहले जाइए माई कंप्यूटर में। माई कंप्यूटर जाने के बाद मैनेज के ऊपर, मैनेज में जाने के बाद यहाँ पे लोकल यूजर एंड ग्रुप यहाँ पे ऑप्शंस है, सेलेक्ट करना है, फिर यूजर्स में जाना है आपको। यहाँ पे आप जिस यूज़र को चाहो उस यूज़र को सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे जो भी यूज़र्स हैं, जो रेड साइन वाले जो यूज़र दिख रहे हैं ये यूज़र डीएक्टिवेटेड है, मतलब डीएक्टिव यूज़र है। बाकी ये जो यूज़र है हैकर और ये यूज़र एक्टिव यूज़र है, ठीक है। ये हैकर और एडमिनिस्ट्रेटर, ये दो यूज़र एक्टिव यूज़र है। जैसे मेरा ये यूज़र है, हैकर यूज़र है, तो मुझे यदि इसके पासवर्ड को चेंज करना है तो सिंपली सेट पासवर्ड प्रोसीड। मैं यहाँ पर पासवर्ड रख रहा हूँ 1, ठीक है, ओके 1। अब मैं चेक करता हूँ क्या मेरे पासवर्ड चेंज हुए। एक बार और मैं वापस न्यू पासवर्ड लगा के देख लेता हूँ, प्रोसीड एंड इस बार पासवर्ड रखता हूँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 एंड ओके। वापस मैं एक बार पासवर्ड चेक करता हूँ, ओके 1, ओके ये पासवर्ड नहीं है बिकॉज हमने पासवर्ड चेंज किया है 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड चेंज। अब ये है, आसानी से पासवर्ड चेंज हो गया। इसका मतलब हमने यूएसबी को बाईपास कर लिया। विंडोज़ की यूएसबी क्या कर रही है कि यदि आपको पासवर्ड चेंज करना है तो सबसे पहले आप करंट पासवर्ड पता होना चाहिए। हम यदि किसी विक्टिम पे यूज़र एक्सेस कर रहे हैं तो इसके थ्रू लोकल यूज़र एंड ग्रुप के थ्रू हम उसको बाईपास कर सकते हैं यूएसबी को। बट नॉर्मल विंडोज़ की यूएसबी क्या करिए, आपको करंट पासवर्ड पता होना चाहिए। तो ये है, ये एक सिंपल मेथड्स है विंडोज़ के यूज़र्स को बाईपास करने के लिए, या कह सकते हैं कि पासवर्ड को चेंज करने के लिए। जब विक्टिम का विंडोज़ ओपन हो और उसके पासवर्ड चेंज करने हो तो आप आसानी से लोकल यूज़र एंड ग्रुप के थ्रू पासवर्ड को आप चेंज कर सकते हो। इसके साथ ही आप यूज़र्स को ऐड भी कर सकते हो। जैसे देखिए यहाँ पे यूज़र्स को ऐड करने के लिए राइट क्लिक, यूज़र, यूज़र का नाम दे दीजिए, जैसे हैकर यूज़र, यहाँ पर यूज़र नाम दे दिया। यहाँ पर यूज़र मस्ट चेंज पासवर्ड नेक्स्ट लॉगिन, तो अभी इसको हम डिसेबल कर देते हैं, ओके। अब देखिए यहाँ पे एक यूज़र क्रिएट हो चुका है, एक यूज़र। अब ये तो यूज़र एक लोकल यूज़र है। अब यूज़र को यदि हमें अब इस यूज़र को एडमिन यूज़र देना है तो मेंबर ऑफ में जाएंगे। मेंबर ऑफ में जाने के बाद ऐड, फिर एडवांस एंड फाइंड नाउ में इसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स के जो RDN है, मतलब डिफरेंट टाइप्स के जो यूज़र्स की इसमें परमिशन दी हुई है, तो हम यहाँ पे यूज़र परमिशन ले रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर, ओके। अब ये यूज़र एडमिन यूज़र बन चुका है। एडमिन यूज़र का मतलब इससे मास्टर कंट्रोल है, कुछ भी कर सकता है। मैं यहाँ पे यूज़र को चेक करता हूँ पहले कि क्या यूज़र्स ऐड हुआ या नहीं हुआ। लॉग ऑफ, ओके, यहाँ देख सकते हो हैकर यूज़र ऐड हो चुका है। अब मैं वापस से इसमें यूज़र को डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए भी वही प्रोसीजर, लोकल यूज़र एंड ग्रुप, यूज़र एंड राइट क्लिक एंड डिलीट। डिलीट करते ही यूज़र डिलीट हो जाएगा और यहाँ से देखिए वो रिमूव हो चुका है। अब यहाँ पे लॉग ऑफ, ये देखिए यूज़र फाइल डिलीट हो चुका है। यूज़र को ऐड और डिलीट इसलिए करते हैं क्योंकि जब विंडोज़ ओपन होता है तो कई बार क्या होता है कि विंडोज़ यदि ओपन है तो यदि इसके पासवर्ड को चेंज करते हैं तो एडमिन यूज़र को, जो यहाँ का ऑथराइज यूज़र है, इसको पता चल जाता है कि मेरे सिस्टम के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है या किसी ने मेरे पासवर्ड चेंज किया है।
तो सो जब हम न्यू अकाउंट क्रिएट करते हैं, न्यू अकाउंट के अंदर जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं वो न्यू अकाउंट के अंदर रहती है, और जब डेटा पूरा एक्सेस करके या कुछ भी जो एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है वो यदि न्यू अकाउंट में करके हम उस अकाउंट को डिलीट कर देते हैं तो कोई उसका ट्रेस नहीं रहता कि विंडोज के अंदर एग्जैक्टली हुआ क्या। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।